हेलो लेडीज जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द बेस्ट डिफेंस चैनल जुगाड़ फौजी। सो हम इस चैनल पर आपको डिफेंस फोर्सेस के लिए गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एकेडमी के एनेक्डोट, कहानियां, पॉडकास्ट और तरह तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। तो एज यू नो, नेशनल डिफेंस अकेडमी इज द इंस्टीट्यूशन जिसने हमेशा आर्म्ड फोर्सेज एंड देश का नाम रोशन किया है। इट्स एन आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन, जो बोलो तो एक ब्रांड है। इट्स अ ब्रांड फॉर मिलिट्री एजुकेशन एंड इट इज़ द सेम अकेडमी विच हैज़ गिवन अस द बेस्ट ऑफ द लीडर्स ओवर द लास्ट 7 decades। तो भैया जी, व्हेन अ कैडेट एंटर्स एनडीए, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती हैं एंड कुछ चीज़ों में वो लॉजिक या रैशनल ढूंढता है, पर भैया जी लॉजिक, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहाँ लागू होते हैं अकेडमी में। अब भैया जी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ व्हेन आई एंटर्ड दिस ग्रेट अकेडमी। स्टोरी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। अब भाई, बात तब की है जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में एंड देन आई मूव टू अ गुड स्कूल ऑन स्कॉलरशिप। सरकारी स्कूल था गांव में और अच्छा स्कूल था शहर में। अब भैया जी, सबसे पहले मेरे सरकारी स्कूल में कत्ते ही गरीबी वाला माहौल था और शहर के स्कूल में तो टॉम क्रूज वाली फीलिंग आती थी। गाँव में सब कुछ थर्ड ग्रेड था, स्कूल टीचर्स लड़कियाँ भी झुकी सलवार सूट पहनती थी। भाई सलवार सूट क्यों है यार? भाई सरकारी स्कूल्स की बस मुझे ड्रेस अच्छी नहीं लगती थी, बाकी टीचर्स तो बहुत काबिल हैं, अगर ढंग का स्टूडेंट मिल जाए तो आराम से IAS IPS बनाने की क्षमता भी रखते हैं। और शहर का स्कूल कत्ते ही शहर, यहाँ पे किंडरगार्डन, लाइब्रेरी, स्कूल सब अलग अलग, खेलने को ग्राउंड, अच्छे टीचर्स और लड़कियाँ पहनती थी स्कर्ट्स जो कि वो एक फोल्ड ऊपर से और एक फोल्ड नीचे से करती थी सेफ्टी पिन लगा के, एंड हमारी हालत कुछ इस तरह होती थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भैया जी, गांव के स्कूल में हम सिर्फ बकैती करने के लिए जाते थे या फिर मिड डे मील के लिए, और शहर के स्कूल में हम जाते थे बहुत सारे रीजंस के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। I mean पढ़ाई के लिए, सालों पढ़ाई के लिए जाते थे हम। दिमाग मत लगाओ, लेफ्ट राइट। अब भाई, गवर्नमेंट स्कूल में किसी का बर्थडे हो या ना हो, वो स्कूल आए ना आए, किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता था। बट शहर के स्कूल में आके देखा कि भाई जो जिसका बर्थडे है वो नए कपड़े पहन के आता है एंड टॉफीज लेके आता है, एंड जो ज़्यादा टॉपर मटेरियल होते हैं वो मिठाई विठाई भी लेकर आते हैं एंड फिर वो क्लास में बांटते हैं ये सब कुछ, और बाद में दूसरों की क्लासेस में जा जाके बांटते हैं। अब भैया जी, जैसे ही मुझे ये पता चला तो मेरा गोल सिंपल रहता था कि भैया जी किसी का भी बर्थडे हो उस दिन के लिए मैं उसके साथ बैठूंगा एंड मैं बनूंगा उसका बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि बाकी सबको एक दो टॉफी मिलेगी और मुझे मिलेगी डबल। अब हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज था भैया जी कि बर्थडेज ऐसे ही मनाए जाते हैं। अब मैं यही नोशन लेके आया था कि NDA सो सोफिस्टिकेटेड, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो अब स्टोरी को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। अब भैया जी, हम पहुँच गए थे नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड कसम से भाई, टू बी वेरी ट्रू, पहली टर्म तो पता ही नहीं चला कि कब आई कब गई, दिन रात पहले जा रहे हैं बज रहे हैं, क्या बर्थडे, किसका बर्थडे, कब सेलिब्रेट करना, कुछ आइडिया ही नहीं था। सेकेंड टर्म में जाके हमने थोड़े बहुत बर्थडे सेलिब्रेट करने शुरू किए एंड एक दिन मैं मेस में बैठा था कि साई बोला, भाई इस संडे को ना शर्मा का बर्थडे आ रहा है। अब मैंने वही सोचा कि भाई टॉफी वगैरह बांटेगा ये साई जो रिमकोलियन है, मुझे इसलिए बता रहा होगा कि भाई पहले से ही अपना हिस्सा रख लेते हैं टॉफीज या मिठाई में। तो मैंने भी साई को बोला ठीक है देख लेंगे। अब भैया जी, आया संडे एंड 6 बजे था गेम्स फॉलिंग। संडे इन NDA यूज टू बी वेरी अमेजिंग। अब हमारा ग्रीन हॉर्न कैंप, PT टेस्ट, स्विमिंग टेस्ट, ड्रिल टेस्ट वगैरह सब क्लियर हो गए, तो सिर्फ गेम्स वगैरह बचे थे या फिर एंड ऑफ टर्म एक्टिविटीज बची थी एंड आई यूज टू लव गेम्स। तो वही 6 to 9 गेम्स होती थी एंड 10 से 4-5 बजे तक हम फ्री रहते थे एंड लिबर्टी वगैरह भी मिल जाती थी। तो सुबह 4 बजे मेरे कमरे के बाहर एक नॉक हुआ। अब मैंने जाके दरवाज़ा खोला और देखा कि भाई साई त्रिपाठी पवार खड़े हैं एंड साई मुझे बोल रहा है, हॉकी है ना। तो मैंने आंखें मलते हुए टाइम देखा तो देखा 4 बज रहे हैं। मैंने बोला, भाई चो बावले हो गए हो क्या बुड़बक, अभी तो 2 घंटे बचे हैं भाई फॉलिन में। तो तभी पवार बोला, हाँ तभी तो पूछ रहा मैं, हॉकी है ना। अब मुझे लगा कि सब चुतिया गए हैं, अभी तो 2 घंटे हैं। फिर मैंने देखा कि पीछे त्रिपाठी खड़ा है मॉस्किटो रॉड लेके। अब मॉस्किटो रॉड क्या है, NDA के बेड की चारों साइड में एक वर्टिकल रॉड लगी होती है जहाँ पे हम मॉस्किटो रॉड या मच्छरदानी लगा सकते हैं। अब मेरी आंखों के सामने सब फ्लैश हो रहा था, मुझे सब स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था कि क्यों ये 4 बजे आए हैं और इतने सारे औजार और हथियार लेके आए हैं और क्यों मुझे हॉकी के लिए पूछ रहे हैं कि हॉकी है क्या। भैया जी ऑनेस्टली, मैंने तो स्कूल डेज में कभी हाथापाई की ही नहीं थी। अब देखो भाई, स्कूल में 2 तरह के लौंडे होते हैं। पहले वाले वो होते हैं जो थोड़ा बहुत लड़ लेंगे या फिर बोल देंगे भाई तेरी टीचर को या मम्मी को कंप्लेंट करूंगा, और दूसरे होते हैं जो बोलते हैं भैया जानता है मेरा बाप कौन है, 12:30 मिलियो पेट्रोल पंप पे ब्रेक के बाद, वहीं तेरी गेंद तोड़ दूंगा, एक बाप का है तो मिलियो बाहर। तो भाई मैं तो पहली कैटेगरी का था, कोई ज़्यादा लोड या बकचोदी नहीं मांगता था मेरे को लाइफ में।
तो भैया जी, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख चुके हैं तो आप अच्छे बालक की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड बाद में इसको शेयर भी कर देना। इसका मतलब ये है कि जहाँ तो आप डिफेंस फोर्सेज से ताल्लुकात रखते हो, जहाँ तो एक एस्पिरेंट हो, और अगर एस्पिरेंट हो तो भाई साहब SSB को क्रैक करने के लिए बहुत माथापच्ची कर रहे होंगे। इसीलिए हम लेकर आए हैं स्मर्थ। स्मर्थ एक ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव मॉड्यूल है जिसमें हर चीज़ अच्छे से बताई हुई है। यहाँ पर सैम्पल पेपर से लेके प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड विद आंसर्स, डिटेल्ड वीडियोस ऑन साइक, GTO, मॉक इंटरव्यूज एटसेट्रा सब कवर्ड है। इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी मोर देन प्रिपेयर्ड टू गो टू SSB एंड अचीव योर ड्रीम ऑफ जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। दिस मॉड्यूल विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स जिनको SSB के बारे में कुछ नहीं पता है, स्पेशली 8th टू 11th क्लास के बच्चे एंड फॉर रिपीटर्स ऑल्सो। आपको ये यूज करने के बाद पता चल जाएगा कि आप बार बार स्क्रीन आउट क्यों हो रहे हो या फिर कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो रहे हो। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी SSB और AFSB, चाहे कोई भी एंट्री हो, इट्स बाइबल फॉर यू। तो गो टू www.jugadufauji.com एंड चेक स्मर्थ राइट नाउ। तो बैक टू द स्टोरी। अब मुझे इनके सारे हथियार औजार देख के समझ आ चुका था कि भाई आज अब भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को किस करते समय इतना नर्वस फील नहीं होता जितना किसी को फर्स्ट टाइम पेलने या मारने के टाइम पे होता है, स्पेशली जब उस बंदे ने कोई फालतू के पंगे भी ना लिए हो। एंड डीप डाउन शर्मा से भाई हमारी जलन भी थी शुरू से, एंड मन किसका नहीं करता कोर्समेट को पेलने का। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। अब हम गए भैया जी उसके कमरे में सारा अपना माल मसाला लेके कि आज शर्मा को पेलेंगे, इसकी तो गेंद तोड़ देंगे। जैसे ही हम उसके कमरे में घुसे तो देखा कि कमरा खाली है। हमने अपने सारे कोर्समेट्स के कमरे चेक कर लिए पर शर्मा भाई साहब तो मिले ही नहीं। और अब हमारा दिमाग खराब हो गया था कि भाई ऐसे कैसे लौंडा गायब हो गया भाई। अब बजे 6 और हुआ फॉलिंग एंड उसमें शर्मा नहीं आ रहा। अनाउंसमेंट हो रही है, सारे आ गए, थर्ड टमर, फोर्थ टमर, फिफ्थ टमर, सिक्स सब आगे खड़े हो गए हैं पर शर्मा नहीं है वहाँ। अब शर्मा बहुत ही तेज आदमी था, उसने ये सब पहले ही सीनियर्स के साथ ऑब्जर्व कर लिया था एंड भाई को पता था कि बर्थडे पे क्या क्या हो सकता है उसके साथ, तो भाई गायब हो चुका था। अब रिपोर्ट लगी तो उसके बाद शर्मा चलते हुए आ रहा है आराम से, मस्त ऑफिसर टाइप। एंड टू टेल यू भाई, फर्स्ट टू थर्ड टमर चलते नहीं है स्क्वाडन में, भागते हैं, चलते देख लिए गए तो पहले जाओगे। अब जब SEC ने उसको चलते हुए देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो चिल्ला के बोला, यू फकर, यू वॉन्ट टू वॉक, फकिंग आई विल मेक अ स्पेसिमेन आउट ऑफ यू, यू फकिंग दुखी। एंड हम सब सेकेंड टमर्स को रोलिंग स्टार्ट करा दिया SEC ने, एंड हम फालतू में ही पेले जा रहे हैं भाई। अब रोलिंग करता करता मैं यही बोल रहा था कि भाई टाइम मिले सही इसको तो पेलूंगा ही आज। अब ये सब हो रहा है एंड शर्मा फिर भी आराम से चल के आ रहा है। अब SEC के पास जब पहुंचा तो SEC ने बोला, हाँ भाई साहब बहरे हो गए हो क्या, जान प्यारी नहीं है तुमको? अब शर्मा जी मुस्कुरा कर बोले, सर टुडे इज माई बर्थडे। इस पे SEC का सारा गुस्सा शांत हो गया। SEC सेड, हैप्पीएस्ट बर्थडे भाई, आज घर बात कर लेना एंड गेम्स के बाद यू आर फ्री, लिबर्टी कार्ड कॉरिडोर कॉपल को दे देना, साइन करवा लेना, पक्का घूम के आना। अब मुझे तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि माचोद मैंने नशे कर लिए हैं सस्ते वाले कोई कि सच में हो रहा है ये वाला सीन। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भैया जी बात ऐसी है कि एनडीए में बर्थडे वाले दिन पूरी अकेडमी में तुम्हें मिट्टा मूड मिलता है, पूरी अकेडमी में। कोई सीनियर तुम्हें जनरली कुछ नहीं बोलता एंड तुम्हारी स्क्वाडन के सीनियर तो कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अब गेम्स हुई एंड भाई 10 बजे एग्जैक्ट लिबर्टी चला गया, समझ रहे हो। अब हम सब बाकी के लौंडे फ्री हुए 11 बजे एंड 12:30 बड़ी मुश्किल से पहुंचे फीनिक्स मॉल, तो देखा एज यूजुअल किसी बंदी के साथ भाई साहब बातें चोद रहे हैं। अब देखो जी, चाहे बंदा बम था एक नंबर का पर था वो बहुत ज़्यादा कूल। एनीवेज हम ज़्यादातर फीनिक्स मॉल ही जाते थे तो शर्मा वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस विद हिज गर्लफ्रेंड ऑफ दैट मंथ। क्या बोला तूने? गर्लफ्रेंड ऑफ दैट मंथ। तो भाई उसके बाद उसने हमें वहां पे कोल्ड कॉफी वगैरह पिलाई एंड हम सब गए बारबेक्यू नेशन। अब जिसको नहीं पता, बारबेक्यू नेशन एक फूड चेन है एंड जिसमें तुम्हें एक ही बार पैसा देना होता है, जो कि तब 700-800 होता था, एंड फिर तुम अनलिमिटेड फूड खा सकते हो। आई डोंट नो अभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है पर उस टाइम पे यही होता था। एंड पुणे में आपको हिंजेवाड़ी से लेकर वकाड़ तक बहुत सारी फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगी इसकी। अब भाई जो भी बारबेक्यू नेशन का फाउंडर रहा होगा ना, उसने सोचा होगा कि कौन ही इतना खाएगा, एंड दे एक्चुअली मेक प्रॉफिट ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि 1000-2000 पर पर्सन से ले लो और बाद में कितना ही खा पाएगा भाई एक बंदा ग्रुप में। बट जब एक्सेंडीज का ग्रुप आता था तो बारबेक्यू नेशन हमेशा लॉस में चलता था।
पैसे 200-800 मतलब जो भी प्राइस था तब, एंड लौंडे खाते थे 2-3 बार, मतलब 2-3 टाइम्स हम एक पर्सन के हिसाब से खाते थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लौंडे सुबह वहाँ 12 बजे घुसते थे, वहीं पे लंच करते थे, वॉशरूम जाते थे, पेट हल्का करते थे, फ्रेश होते थे, और फिर से 2-3 बार खा के डिनर करके अकेडमी में पहुँचते थे वही 7-8 बजे। एंड बीच में तो कुछ बारबेक्यू नेशन ने बाहर लिख के लगा दिया था कि एनडीए कैडेट्स आर नॉट अलाउड। फिर हमने इसका भी इलाज ढूंढ लिया था, वो कैसे ढूंढा तो वो कहानी किसी और दिन की है। तो बैक टू द स्टोरी, हमने बारबेक्यू नेशन में पेट फाड़ के खाना खाया एंड वापस आ गए शाम को अकेडमी में। अब हर लिबर्टी के बाद एक काउंटअप होता था जिसमें सारे कैडेट्स की गिनती होती थी कि मादाचो कोई गायब तो नहीं हो गया अकेडमी से। तो जब तक ये फॉल इन खत्म हुआ, काउंटअप वगैरह खत्म हुआ, हम कमरों में पहुंचे तो 11:30 बज चुके थे। अब मैं थक के, और मतलब मैं पेट भरा हुआ है, हम थक के जा रहा हूँ कमरे की तरफ, पीछे से आवाज़ आई, मादर चौदह हॉकी निकल, आधा घंटा बचा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो साई भागा हुआ आ रहा है, मतलब फुल स्पीड पे। भैया जी सही में ना मेरा तब मन था ना मेरे में जान थी कि मैं इसके साथ जाऊँ, पर मैंने तब यही सोचा कि भाई जिस स्पीड से आ रहा है और जिस स्पीड से भाग रहा है, अगर इसके साथ मैं नहीं गया तो ये मुझे ही पेल देगा। फिर हम सब कोर्समेट्स पहुंचे शर्मा के केबिन में, जाके देखा कि शर्मा ने अंदर से लैच मार रखा है। अब क्योंकि एक दिन के लिए सिस्टम प्रिविलेजेस मिलती हैं बर्थडे के दिन, तो पूरे हक से भाई ने कुंडी लगाई हुई थी। अब जिसको ये अजीब लग रहा है भाई, एनडीए में कमरे में कुंडी मारना भी एक प्रिविलेज है। अब हम सब बाहर खड़े थे और मैंने बोला कि माचो चलो यार अब हो गया दिन खत्म, कल ड्रिल भी जाना है। तो साई ने बोला मादर चो तो अभी 13 मिनट बचे हैं, इतनी पास आके नहीं छोड़ेंगे। एंड उसने बोला भाई पवार तोड़ दे लैच। अब भैया जी जो पवार था ये हमारे कोर्स का वो CID वाला दया है ना, जहाँ फिर आप सिंगम टाइप बंदा था, ठीक है भाई, जाट था एंड जोर इतना था कि मादर चो उसकी स्ट्रेंथ का कोई हिसाब ही नहीं था। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा भाई, भाई मैं दम अंधा था एंड भाई था पूरा ग्राउंड टू अर्थ। तो भाई दया आया, पवार आया एंड उसने भाई एक ही लात मारी एंड लैच वो उड़ के गई एंड कमरा खुल गया। और हम कमरे में घुसे और बोल ही रहे थे कि माचो जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, इसकी तो तोड़ देंगे आज। और अब तक टाइम 23:50 हो चुका था, मतलब 10-12 मिनट बचे थे यार अगला दिन स्टार्ट होने को। अब भैया जी जैसे ही कमरे में गए तो वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी का जग पड़ा हुआ है एंड कमरे में कोई नहीं है। अब शर्मा का सेकंड टर्म में केबिन ग्राउंड फ्लोर पे था एंड ग्राउंड फ्लोर वाला बंदा कभी भी विंडो खोल के स्क्वाड्रन के बाहर जा सकता है। भाई साहब साई का वहीं पे दिमाग खराब हो गया, उसका मन कर रहा था कि दीवार में सर मार दूं। हमने भाई गिव अप कर दिया एंड बैठ गए उसके रूम में। एंड जैसे ही 12 बजे तो शर्मा आया चलता हुआ अपने रूम में एंड बोला अरे तुम्हारे लिए बनाई है वो कोल्ड कॉफी, मुझे पता था तुम लोग आओगे मेरे रूम में। तो उस दिन तो हम नहीं पेल पाए शर्मा को, बट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन आफ्टर 1 ईयर इन आवर फोर्थ टर्म। तब तो भाई हमने 2 दिन पहले से ही पैरा लगाना शुरू कर दिया था। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि यार बर्थडेज का कैसे पता चल जाता है अकेडमी में, इतना कौन याद रखता है। तो भैया जी अकेडमी में एक लैपटॉप या थिन क्लाइंट नाम की चीज़ होती है जो कि हमें इशू होती है, उस पर ऐसी डिटेल्स और कचरा मतलब ऐसे फालतू की चीज़ें और ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं एंड कैडेट्स उस पर अपनी तैयारी करते रहते हैं कि भाई कंबल परेड कब करनी और किसकी करनी है। चलो थिंक क्लाइंट इज़ अ स्टोरी फॉर सम अदर डे, और कभी और विस्तार में बताएंगे। बट दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट एंड जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत ही ढांसू एंड तोड़फोड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे जुगाड़ू, बिकम स्मर्थ। And if you don't know what is Smurth, go to www.jugadufauji.com and check Smurth right now. So that was all for today. Jai Hind, milte hain jaldi ek video mein.